पार करने के लिए डंडों का सहारा लेकर अपनी जान को जोखिम में डालकर लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो हमने अभी आपको बाढ़ बारिश की तस्वीरें दिखाई जैसे लोगों का जीना मुहाल है, लेकिन अब जो तस्वीर दिखाएंगे आपको यकीन नहीं होगा कि दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में ऐसे हालात हैं। लोग पानी को, बारिश को तरस गए हैं। गर्मी से निजात मिलने का दावा मौसम विभाग ने किया है, लेकिन दूसरे कई राज्यों में अभी बाढ़ के हालात बने रहेंगे। राजधानी दिल्ली में भले ही लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं, लेकिन भारत के दूसरे राज्यों में जबरदस्त तरीके से बारिश देखने को मिल रही है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं मौसम विभाग से। सर, पहला सवाल, राजधानी दिल्ली में बारिश कब होगी? नहीं, दिल्ली का देखिए तो मानसून जो आया था एक दिन जो ड्रिजिल या लाइट रेन हुआ, लेकिन बाद में आसपास जैसे पंजाब हरियाणा अभी भी बरस रहा है, तो दिल्ली में थोड़ा मतलब कम चांस है, लेकिन 16-17 को थोड़ा रिवाइव होने का रेनफॉल है दिल्ली और पंजाब हरियाणा में, लेकिन अभी तो कम हो गया, अभी तो चांसेस नहीं है। दिल्ली के अलावा अगर दूसरे राज्यों की बात करें जैसे यूपी बिहार में जबरदस्त तरीके से बारिश देखने को मिल रही है और इसकी वजह से बाढ़ के हालात भी कई राज्यों में बने हुए हैं, तो वहाँ फिलहाल कितनी बारिश हो रही है? मैं चाहूँगा कि मैप के जरिए हमारे दर्शकों को देखें। ये जो है जो आपका जो यूपी इलाका है जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार और असम मेघालय, ये इलाका जो है 4 दिन हो गया बारिश हो रहा है, तो आप चाहे मतलब कोई भी स्टेशन ले रहे हैं लीजिए तो सभी स्टेशन ऑलमोस्ट रिपोर्ट कर रहा है। आज का जो लेटेस्ट है, आज यूपी का भी थोड़ा बहुत कम हो गया, और पहले जो उत्तराखंड और हिमाचल में हम लोग जो रेड अलर्ट जारी किया था वो अभी चांस नहीं है एक्सट्रीम रेनफॉल का। और इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में तेज बारिश के बाद बाढ़ आ गई है। बारिश के पानी में पूरा गांव डूब चुका है, घुटने भर पानी इलाके में भर गया है, जिससे गांव के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में मौजूद खाने पीने का सामान भी खराब हो गया, खाना पकाने तक का साधन लोगों के पास नहीं बचा, लोग अपना घर छोड़कर ऊंचे इलाकों की तरफ जा रहे हैं। बिहार से भी बाढ़ से बर्बादी की तस्वीरें आ रही हैं। बिहार के महाराजगंज से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बाढ़ से निपटने के लिए पूरे इंतजाम किए जाने का दावा किया। यूपी बिहार में बारिश का जो कहर है लगातार जारी है, हमारे साथ बात करने के लिए महाराजगंज के सांसद हैं। सर, इंतजाम क्या किए गए हैं, क्योंकि हमने देखा है सीतामढ़ी, महाराजगंज और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों के आसपास जो बाढ़ का कहर है बहुत ज़्यादा है। देखिए, बारिश और बाढ़ की तैयारी पूर्व से चल रही है, जहाँ तक के पूरे देश स्तर पर भी है, तो देश स्तर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और जल में स्पेसिफिक अपने एरिया का बताइए, महाराजगंज का और आसपास के इलाकों का। सर देखिए, महाराजगंज में विशेष रूप से जो बारिश हो रही है पिछले 2-3 दिनों से, उसका तो एक अलग से वहाँ जनजीवन पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन उसकी तैयारी लोग पहले से, क्योंकि बारिश होती है तो उसकी तैयारी पहले से लोग बहुत कर नहीं पाते हैं। अब एक ऐसी खबर जो आपके होश उड़ा देगी, गंगा नदी पर सूखने का खतरा।